अमेरिका में आनंद नाम का एक युवक रहता था। वो एक धनवान था। एक दिन आनंद फेसबुक देख रहा था कि एक सुंदर लड़की के प्रोफाइल में फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। उसे देखकर आनंद, वाह इतनी सुंदर है ये लड़की, नाम भी बहुत सुंदर है, हेमा मालिनी, इससे तुरंत मुझे फ्रेंडशिप करना होगा। यूं सोचते हुए उसने लाइक बटन को दबा दिया। इस तरह हेमा मालिनी और आनंद हर रोज घंटों चैटिंग करते रहते थे। बाद में फोन पर भी घंटों बातें करने लगे। यूं समय बीतने लगा। एक दिन आनंद ने सोचा, मैं हेमा मालिनी को देखे बिना रह नहीं सकता, उससे शादी करूंगा तो जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। बाद में हेमा से मिलने के लिए उसने फोन करके, हेलो हेमा, मैं एक जरूरी काम से इंडिया आ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? यू आर ऑलवेज वेलकम। हाँ, उधर इधर रहने की क्या जरूरत, हमारे घर में रह जाओ। इस तरह आनंद फ्लाइट में इंडिया के लिए रवाना हुआ। बाद में ऑटो में हेमा के घर पहुंचा। घर के बाहर हेमा उसे देखकर, वाओ, अरे तुम तो बड़े स्मार्ट हो, और जानते हो फोटो से ज्यादा तुम मैनली दिखते हो। ये बात सुनकर आनंद फूल कर कुप्पा हुआ और थैंक यू, मैं भी यही कह रहने वाला था कि तुम भी कम नहीं हो, तुम तो ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से भी ज्यादा सुंदर दिखती हो। आई लव यू हेमा मालिनी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी प्लीज? ये कहने ही मैं इतनी दूर आया हूँ। हाय रे, मुझे तो शर्म आती है, आओ पहले हम तुम्हें अपने घर वालों से तुम्हें मिलवाती हूँ। यूं दोनों अंदर गए अपने पिताजी को दिखाते हुए। ये मेरे डैडी है, नाम है लवली राव। जो भी इन्हें दिख जाता है वो इनसे प्यार करने लगते हैं, खास तौर पे लड़कियों से। ये मेरी पहली माँ है, नाम है लक्ष्मी, और उनका पहला पति है सीनू। ये सोच कर के सीनू एक्सीडेंट में मर गया है, लक्ष्मी ने मेरे डैडी से शादी कर ली। अपनी याददाश्त खोकर ये देखो पार्वती, सीनू ने इनसे शादी कर ली। फिर याददाश्त वापस आने के बाद सीनू ने लक्ष्मी के पास लौट आया। यूँ अकेली रह गई पार्वती, से मेरे पिताजी ने शादी कर ली। और ये है मेरी दूसरी माँ अरुणा, ये करुणा हॉस्पिटल में काम करती है नर्स की तरह। इनकी शादी होने के पहले ही रमणा ने इनको गर्भवती करके छोड़ दिया। तब मेरे डैडी ने अरुणा को दुखी देखा और उनसे शादी कर ली। उसके बेटे का स्कूल फीस भी मेरे डैडी ही भरते हैं। और ये है मेरी तीसरी मम्मी। यूं वो कहने ही वाली थी कि आनंद, बस 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 रहने दो हेमा, बस बस करो, अगर और तुम सुनाती गई तो मैं गश खाकर गिर जाऊंगा। देखिए अमेरिका में हमारी काफी जायदाद है, सच कहूं तो आपके घर जितना तो हमारा स्विमिंग पूल ही है। मुझे स्विमिंग पूल बहुत पसंद है, सोने के लिए बेड, देखने के लिए टीवी, खाने के लिए भोजन, सब वही होता है। इतना पैसा है फिर भी मैं यहाँ ये कहने आया था कि मैं हेमा से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। बहुत खुशी हुई बेटे, कल से तुम्हारे लिए सब प्रबंध पानी में ही हो जाएगा, ठीक है? उस रात को एक बहुत बड़ा तूफान आया और पूरा गांव में बाढ़ का पानी आ गया। जब सवेरे आनंद ने आंखें खोली तो अपनी चारपाई को पानी में तैरते हुए देखा। तभी एक चाय की प्याली पानी में तैरते हुए उसके पास पहुंची। परिवार वाले भी उसी में बैठकर टीवी देखने लगे। बेटे कैसा है हमारा स्विमिंग पूल, वो चाय लो और पियो, टाइम पास करना हो तो टीवी देखो, तूफान कम होकर बाढ़ कम होने तक ये स्विमिंग पूल ऐसा ही रहेगा, तब तक तुम एंजॉय कर सकते हो। आनंद कुछ समझ नहीं पाया और सिर पकड़कर बैठ गया। अगले दिन लवली राव और हेमा मालिनी को बातें करते हुए आनंद ने छिपकर सुना। सुनो, हमें तो ये आदत ही है ना कि अमीर लड़कों को फेसबुक में पटाकर उससे पैसे ऐंठना, इस बार उससे पैसे ऐंठने का क्या प्रोग्राम बनाया है? डैडी, वो सोचता है कि मैं उससे सच में प्यार करती हूँ, ऐसे मूर्ख मैंने बहुत देखे हैं। उससे शादी किया तो हमारा क्या फायदा, अपना धंधा ठीक चलता है तो शादी वादी करने की क्या जरूरत। उसे कल पहला फुसला कर कम से कम 50 लाख लूटना होगा, वो प्यार में अंधा हो गया है, कल ही मैं उसे फंसाती हूँ, देखते जाओ। ये सब सुनकर आनंद दंग रह गया। बाद में वो तेजी से उस घर से रफू चक्कर हो गया। वो फ्लाइट में जा रहा था तो हेमालिनी ने फेसबुक पे उसे एक मैसेज भेजा, डार्लिंग कहाँ हो, दिख नहीं रहे, प्लीज रिप्लाई हैंडसम, प्लीज रिप्लाई। आनंद ने तुरंत
उसे फेसबुक से अनफ्रेंड किया, फिर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। मैजिकल वेल। परमपुर नाम के गांव में लोगों को भगवान और भूत प्रेत पर बहुत विश्वास हुआ करता था, इसलिए कई लोग बाबा के वेश में आकर कुछ भी कहकर पैसे कमाते थे। एक बार जगजीत नाम का धोखेबाज जब वो गांव आ रहा था तो उस गांव पहुंचने के पहले उसे एक कुआ नजर आया। वो उसमें झांककर देख रहा था तो साइकिल पर जा रहा एक आदमी। तुम इस गांव में नए हो क्या? वहाँ क्या कर रहे हो? वो भूत का कुआ है, कहते हैं उसमें भूत प्रेत रहते हैं। हैं? कहते हैं, बोल रहे हो, तुमने कभी नहीं देखा? पता नहीं, गांव में सब लोग कह रहे थे तो सुना, मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन पता होकर भी उसके करीब जाकर देखना जरूरी है क्या? मैं तो जा रहा हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। कहकर साइकिल पर तेजी से चला गया। ओहो, तो मतलब इन गांव वालों को भूत प्रेत का डर है। क्या करके पैसे कमाऊं? जब सोचा तो ये अच्छा सा रास्ता मुझे मिल गया है। उस रात को चुपके से लकड़ी से बनाया हुआ हाथ को उठाकर कुएं के पास पहुंचा। वो हाथ लेकर कुएं में कूद गया। कुएं के अंदर एक कंट्रोल करने वाला रूम को तैयार किया। वो कंट्रोल करते वक्त वो हाथ कुएं से बाहर निकालना, अपने आप मुट्ठी बंद कर देना, ये सब करता रहता था। अगले दिन एक चरवाहा बकरियां चलाते हुए उस कुएं के पास आया। तब कुएं से अचानक हाथ ऊपर आया। उसे देखकर वो चकित रह गया। रूम में से जगजीत, ठीक भूख के समय ही आए हो, तुम्हें अभी खा लूंगा। हे राम, भूत भूत, मुझे कुछ मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तो एक काम करो, घर जाकर अपना सारा पैसे और जेवरात लेकर मुझे दो, वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। सोना कैसे भी दो चलेगा, लेकिन पैसे प्लास्टिक कवर में सील करके ही देना होगा, वो भीगना नहीं चाहिए। अगर ये बात किसी को बताया तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम जहाँ पर भी रहोगे मैं तुम्हें आकर खा लूंगा। जाओ, जल्दी जाकर लेकर आओ। इस तरह चरवा वहां से डरकर भाग निकला। फिर सोना और पैसे रखे हुए प्लास्टिक कवर्स हाथ में देते ही वो लेकर हाथ पानी में चला गया। एक दिन सोने का व्यापारी अपने टांगे पर सोना रखकर निकल पड़ा। उसकी गाड़ी कुएं के पास आते ही